वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। तो आज अपने पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल्स हैं वो अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, पैसिव वॉइस बाय अरमान क्लासेस। तो इसको YouTube पर सर्च करके आप इसके बेसिक रूल्स देख सकते हो। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो है विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार बदला जाता है उसका अध्ययन करेंगे, और साथ में किस प्रकार रूल्स जो है वो अप्लाई करने हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस भी इन्हीं को कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, राइट्स इसमें मैन वर्ब और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अब इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पहला जो रूल इसमें अप्लाई होता है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए वो है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, यानी इस ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आओ, ए लेटर। दूसरा रूल है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस लगा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस आए तो उन सभी वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाते समय एच एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ए लेटर के साथ लगेगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, ए लेटर एक पत्र तो ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा इज। और उसके बाद तीसरा जो इसका रूल है वो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, तो राइट्स जो है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको अपने थर्ड फॉर्म में बदलना है तो राइट का हो जाएगा रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न। चौथा रूल है बाय का प्रयोग करो, बाय लगाओ। और पांचवा जो रूल है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ही को किस में बदलेंगे, हिम में। तो इसमें ध्यान रखना है कि आई को मी में, वी को अस में, यू का यू में, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में। तो ये जो पिछला वीडियो है वो देख के आप उसमें से इसको नोट कर सकते हो। तो इसका जो इसकी जो पैसिव वॉइस है वो बन गई है लेटर इज रिटन बाय हिम। तो इसमें फाइव रूल अप्लाई होते हैं, पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो अपने ए लेटर बना दिया है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्रत्येक टेंस में चेंज है, टोटल आठ टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, तीन प्रेजेंट, तीन पास्ट और दो फ्यूचर के। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्का रूल है, सभी में जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है सभी में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। चौथा बाय लगाओ, और पांचवा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ही को हिम में बदल के इसका ऑब्जेक्ट बना दिया गया। तो ये ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब अपने देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें पहले इसको देखते हैं, दे इसका सब्जेक्ट, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गई मैन वर्ब, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस, अब इसको अपने बनाते हैं, फाइव इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें भी अप्लाई होंगे वो सभी में होंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी कि इसका बना दिया अपने फुटबॉल, फुटबॉल के साथ अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब यहाँ अपने को देखना है कि इसमें आर पहले से लगा हुआ है, आर लगा हुआ है तो आर को देखकर आप इसमें इसका ग्रुप खोल सकते हो, इज एम आर। तो फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर है इसलिए फुटबॉल के साथ यहाँ पे इज लगेगा, यहाँ से आप देख के वर्ब और इसका जो ग्रुप है वो खोल लो तो फुटबॉल के साथ लगेगा इज। अब क्योंकि इसमें आई एन जी है, जिस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई एन जी होगा उसमें बींग लगेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो उसमें लगेगा बींग, तो फुटबॉल इज
बींग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चौथा रूल प्ले का प्लेयर्ड, सॉरी तीसरा रूल और चौथा रूल है बाय का प्रयोग करो, बाय और दे को बदलना है देम में। ये पांचवा रूल एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओ। फुटबॉल इज बीइंग प्लेयर्ड बाय देम। अब करते हैं नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज रिटर्न माई पेन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, तो इसमें ही हो गया सब्जेक्ट, हैज होगी हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न होगी मैन वर्ब और माई पेन हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो माई पेन है उसको अपने लाते हैं आगे, यानी कि पहला रूल है जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे लिखो माई पेन, माई पेन के साथ हैज और हैव। अब यहाँ पे हैज दिया हुआ है तो अपने यहाँ से इसी में से सेंटेंस में से बना सकते हैं। तो हैज का जो ग्रुप है उसमें हैज और हैव दो है, और एक ध्यान रखना है जिसमें एच से जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही हैज हैव और हैड, तीनों में लगेगा बीन, तीनों में क्या लगेगा बीन। जब अपने पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनमें लगेगा बीन। माई पेन सिंगुलर है इसलिए इसमें लगेगा हैज, और हैज के साथ लगाओ बीन। दूसरा रूल क्लियर हो गया, तो यहीं से अपने जो दूसरा रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा रिटर्न, थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो यहाँ पे वो थर्ड फॉर्म उसी प्रकार लगा दो। तो पहला रूल है सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बना दिया। दूसरा है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ और बीन लग गई। दूसरा रूल, तीसरा रिटर्न, थर्ड फॉर्म लगाओ, और चौथा बाय का प्रयोग करो बाय, और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ ही को बदल दिया हिम में। तो माय पेन हैज़ बीन रिटर्न्ड बाय हिम। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो है फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो वी इसमें सब्जेक्ट, शैल होगी हेल्पिंग वर्ब, बाय होगी मेन वर्ब, और बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट। तब अपने पहला जो रूल है अब सीख गए होंगे आप कि जो पहला रूल है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो बुक्स ले आओ आगे, ले आए बुक्स। और यहाँ से अपने को हेल्पिंग वर्ब देखनी है क्योंकि यहाँ पे शैल दिया हुआ है, तो शैल के साथ एक और विल, और इनके साथ लग जाएगा बी। तो ये याद रखना यही है कि शैल बी और विल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहाँ से खोल सकते हो आप। तो बुक्स के साथ विल बी लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है और शेष के साथ लगता है विल, तो बुक्स विल बी। और बाय की थर्ड फॉर्म होगी बॉट, ये तीसरा रूल, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, तो बॉट हो गई थर्ड फॉर्म। और उसके बाद चौथा रूल है बाय लगाओ, और पांचवा है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का बनेगा ऑब्जेक्ट, तो वी को चेंज करो एस में, तो बुक्स विल बी बॉट बाय अस। ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस था, तो इसको अपने चेंज किया है। बुक्स और हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है विल और शैल प्लस बी, तो यहाँ पे बुक्स है इसलिए विल बी लगेगा, और मैन वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म बॉट, चौथा रूल बाय का प्रयोग करो, और पांचवा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का बनेगा ऑब्जेक्ट, तो वी को अस में बदल दिया गया है। बेसिक रूल्स के लिए पिछला जो वीडियो है पैसिव वॉइस का और नरमान क्लासेस, उसको अवश्य देखें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो डबल ऑब्जेक्ट वाला, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डबल है, तो अपने देखते हैं कैसे इसको करना है। ही इसका सब्जेक्ट हो गया, टीच इसमें होगी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अस पहला ऑब्जेक्ट अस है और दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अब अपने को जो वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है,
वर्ब के जस्ट बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने आगे लेके आएंगे, पैसिव वॉइस का उसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अस को अपने आगे ले आए तो वी, और वी के साथ अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस, वर्ब फर्स्ट के साथ एस सी आई एस आए तो अपने को इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो वी के साथ लगेगा आर, और टीच, टीच पढ़ाना इसकी थर्ड फॉर्म होगी टॉट, टी ए जी एच टी टॉट, वी आर टॉट। लेकिन आप यह ध्यान ये रखना है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो अपने ले लिया है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के जस्ट बाद में रखना है। जैसे टॉट के बाद इंग्लिश आ जाएगा और बाय जो है वो इसके बाद में लगेगा, यानी कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके बाद उसको लिखने के बाद इसके बाद लगाओ बाय और फिर ही को बदलो हिम में। बाकी सेम है लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वहीं उसको लिख देना है। जैसे ये इसको तो अपने आगे ले आए तो पीछे अपने पास ऑब्जेक्ट बचा इंग्लिश, दूसरा ऑब्जेक्ट तो उसको जस्ट वर्ब के बाद में लिख के और उसके बाद में बाय लगाना है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। बाकी फाइव जो रूल्स हैं वो इसमें भी अप्लाई होंगे। अब अपने करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या होगी? पहचान की ये होगी कि इनमें लगा होगा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार का जो क्वेश्चन मार्क होता है जिन सेंटेंस में ये लगा हो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होंगे। पहचान करने के बाद अपने देखेंगे कि ये दो प्रकार के इसमें वाक्य आते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं वो सेंटेंस, और एक आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से जो शुरू होते हैं वो सेंटेंस। तो अपने पहले करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसके नीचे हेल्पिंग वर्ब लगाओ, जो जहाँ पे सब्जेक्ट है उसके नीचे सब्जेक्ट रखो। जब आप इसको चेंज करोगे तो इस प्रकार रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, जैसे में डिड है तो डिड के नीचे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू इसका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, इस प्रकार रखते हुए इसको बनाना है। पहले अपने देखते हैं कि डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई और यू इसका हो गया सब्जेक्ट, ईट इसकी मेन वर्ब और मैंगो इसका ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इसमें यह ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो डिड जो है डिड किसी भी सेंटेंस में आता है तो डिड पैसिव वॉइस में डिड नहीं लगेगा। पैसिव वॉइस बनाते समय अपने को डिड की जगह वाज और वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पे मैंगो जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो आगे आ गया मैंगो। अब मैंगो के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसके नीचे आएगी तो मैंगो के साथ अपने को क्या लगाना है? वाज। तो वाज जो है वो डिड के नीचे लिख दो, वाज वाज मैंगो, वाज मैंगो। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इटन, और उसके बाद अपने को करना है बाय का प्रयोग और यू का यू, यानी कि जो इसका सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का बनेगा ऑब्जेक्ट, और अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। बाकी सेंटेंस उसी प्रकार है लेकिन जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी थी वो अपने को आगे लिखनी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रखनी है, वाज मैंगो इटन बाय यू। वाज मैंगो इटन बाय यू, ये हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस था, इसको बनाया। अब अपने देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस व्हाट विच व्हेन व्हाई, और एच से शुरू होने वाले हाउ हाउ मैनी हाउ मच, इन वाक्यों को किस प्रकार बनाना है? तो इनको डिवाइड किया गया जिनमें ऑब्जेक्ट हो और जिनमें ऑब्जेक्ट न हो और हु वाले सेंटेंस में। अब जो पहला अपने सेंटेंस लेते हैं इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी कि व्हेन, व्हेन के बाद डू, हेल्पिंग वर्ब, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू डब्ल्यू से शुरू हो रहा है डब्ल्यू एच ई एन वैन, तो डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं डब्ल्यू और एच से शुरू होने वाले जिनसे प्रश्नवाचक सेंटेंस बनते हैं। वैन डू
यू टीच हर, तो वैन इसमें डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यू इसका सब्जेक्ट, और टीच इसमें मैन वर्ब, और हर हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब अपने को ध्यान वही रखना है जैसे ऊपर वाला सेंटेंस किया वैसे वैसे जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे उसी प्रकार लिख लो वैन। अब इसमें देखना ऑब्जेक्ट इसमें है हर, तो हर को अपने बदलेंगे सी में और यहाँ लिख लेंगे सी। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, तो डू के नीचे ये सी तो आ गया यू के नीचे, और डू के नीचे अपने को डू जब होगा तो अपने को इच एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सी है तो सी के साथ लगेगा इज, तो इज लगाना है यहाँ। वैन इज सी, और टीच की थर्ड फॉर्म वही सेम, चौथा रूल टॉट, उसके बाद बाय, और बाय के बाद लगेगा यू, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओ, अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। बाकी सेम है लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे डब्ल्यू एच वर्ड रख दिया। अब बाद में देख लें कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आ गई, और सब्जेक्ट के नीचे आ गया सब्जेक्ट, और उसके बाद मैन वर्ब के नीचे मैन वर्ब, और ऑब्जेक्ट के नीचे बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो वैन इज सी टॉट बाय यू, वैन इज सी टॉट बाय यू, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब अपने करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड में जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उन सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाए, यानी कि व्हाट इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ गया व्हाट, वॉज इसमें आ गई हेल्पिंग वर्ब, और ये इसका सब्जेक्ट हो गया डूइंग इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ डूइंग इसकी मैन वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने को ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, जब अपने पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने को नहीं लिखना। तो व्हाट के नीचे बाकी सेम रूल है, व्हाट के नीचे वर्ड लिख दो। अब इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब है तो अपने वाज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और आई एन जी है तो बींग लगेगा, तो अपने को यहीं पर बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्ट लिखना था लेकिन अब ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाओ वाज और वर्ब में से वाज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है तो ही के हिसाब से इसमें वाज लग गया। वाज के साथ आई एन जी है तो बींग लगा दो, इनके बीच में ऑब्जेक्ट लगना चाहिए था लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए जो बीच से की जगह खाली छोड़ देनी है व्हाट वाज बींग। इतना बनाने के बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इतना पहले बनाओ व्हाट वाज बींग, क्योंकि इस ये जगह छोड़ के ऑब्जेक्ट वाली, और यहाँ पे इस सेंटेंस के अनुसार वाज और वर्ब में से वाज हेल्पिंग वर्ब लग गई और साथ में आई एन जी है तो बींग लगा दिया। उसके बाद आपने को लगाना है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इसमें होगी डन, और उसके बाद चौथा रूल है बाय, और उसके बाद ही को बदल दो हिम में, व्हाट वाज बींग डन बाय हिम, व्हाट वाज बींग डन बाय हिम, तो अपने को जो ऑब्जेक्ट की जगह है वो छोड़ लेनी है, और हेल्पिंग वर्ब नीचे हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के नीचे इधर इसका जो सब्जेक्ट है वो जगह छोड़ लो, उसके बाद डूइंग है इसमें आई एन जी लगा हुआ तो आप बींग लगा दो, और बाकी रूल सेम है, थर्ड फॉर्म वाला तीसरा रूल, चौथा बाय, और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ ही को हिम में बदल दिया। अब अपने करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हु टीच इंग्लिश, तो इसमें इतना ध्यान रखना है कि हु को बदलना है बाय होम में, तो अपने जो हु है पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी थे उनमें सेम डब्ल्यू एच वर्ड नीचे लिखते थे, लेकिन इसमें पहले अपने बाय होम नीचे लिख लेंगे बाय होम, तो इट मीन्स बाय पहले लग गया और बाय वाला रूल यहीं पे ख़त्म। उसके बाद अपने को देखना है इसमें ये होगी इसकी मैन वर्ब और ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट, तो अपने को टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। एक बात ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस का कोई भी वाक्य नहीं बनेगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, और उसको अपने इसका
सब्जेक्ट बनाना है, बाय होम और इंग्लिश के बीच में अपने को यहाँ पे रखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, यस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर। तो इसमें इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसमें इज लग गया, बाय होम इज इंग्लिश, और मैन वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म टी ए यू जी एच टी टॉट, बाय होम इज इंग्लिश टॉट। अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाय अपने स्टार्टिंग में लगा दिया है, बाय होम हु को बाय होम में चेंज करके, इसलिए बाय इसमें नहीं लगेगा। तो आप इसको जब भी बनाएं तो हु के नीचे बाय होम लिख लें और उसके बाद इसका सीधा ऑब्जेक्ट देखें, जैसे मैंने किया, बीच में थोड़ी जगह छोड़ के ऑब्जेक्ट लिख लो, उसके बाद जो बीच में जगह छोड़ी है ना उसमें अपने को हेल्पिंग वर्ब देखनी है और वो लगेगी टेंस के अनुसार, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस होता है, तो जब आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है तो यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया इज। तो इतना क्लियर करने के बाद अपने को मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, और अंत में लगाओ क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हु वाले सेंटेंस इस प्रकार बनते हैं। आशा है आपको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो समझ में आ गए होंगे। अब अपने देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक जितने भी वाक्य हैं वो इसमें आते हैं, तो इनकी पहचान साथ में और साथ में इनको हल करेंगे। जैसे इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य है, वो होते हैं, पहला है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला जो है वो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये जो वाक्य होते हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। और ये शुरुआत होती है इनकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो इसमें जो ओपन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि शुरू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, और द डोर इसका ऑब्जेक्ट। तो अपने फार्मूला जो पैटर्न है उसके हिसाब से बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द डोर, द डोर, लेट द डोर। उसके बाद बी, पैटर्न के अनुसार इसमें लगेगा बी और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। तो ओपन जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको अपने बदलना है थर्ड फॉर्म में ओपन। तो ये इस प्रकार बनेगा लेट द डोर बी ओपन। तो ये जो पैटर्न है इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको लिख के लर्न कर लीजिएगा, लेट द डोर बी ओपन। इसमें जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस आते हैं वो नेगेटिव, जैसे डोंट ओपन द विंडो। तो बाकी सेम है सेंटेंस, लेकिन इसमें आगे लग गया डोंट, साथ में ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द विंडो हो गया ऑब्जेक्ट। अब अपने पैटर्न के हिसाब से इसको बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद अपने को लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द विंडो। तो यहाँ पे लिख दो द विंडो, विंडो क्योंकि इसमें डोंट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें लगेगा नोट बी, तो उसके बाद आप नोट बी लगा दो, और नोट बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन, और इसको आप बदल दो थर्ड फॉर्म में ओपन, लेट द विंडो नोट बी ओपन। तो ये जो पैटर्न है इसको आपने याद करना है, ये पैटर्न आप लिख लेना और लिख के इसको लर्न कर लेना। उसके बाद कोई भी वाक्य आए उसको आप चेंज कर सकते हो, इम्परेटिव का कोई भी सेंटेंस है उसको बदल सकते हो। अब इसमें जो तीसरे प्रकार के वाक्य आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, आदेशात्मक सेंटेंस में, वो होते हैं प्लीज़ और काइंडली से शुरू, प्लीज़ और काइंडली से शुरू। पहले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा डॉट से, और तीसरा प्लीज़ और काइंडली से। तो इन इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं उनकी जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख के और बाकी जो वाक्य है वो सारा आगे लिख देना है। लेकिन उससे पहले अपने को एक काम करना है, चाहे प्लीज आए चाहे आए काइंडली, उसको देना हटा। तो प्लीज़ कम हियर ये सेंटेंस है, कम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हियर अदर। तो प्लीज़ को अपने इसमें हटा देंगे,
और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, तो अपने इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इतना लिखने के बाद पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में इतना लिखने के बाद अपने को लिखना है सिर्फ एक्टिव वॉइस का प्लीज़ और काइंडली को हटाने के बाद शेष बचा सेंटेंस। ये याद रखना, प्लीज़ और काइंडली को हटाने के बाद शेष सेंटेंस सेम लिखना है, क्योंकि टू के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करना। टू कम हियर, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना अपने को याद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो प्लीज़ और काइंडली को हटाने के बाद बाकी जो सेंटेंस बचा है उस सारे सेंटेंस को उसी प्रकार लिख देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ये प्लीज़ और काइंडली जो सेंटेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस इस प्रकार बनती है। तो ऐसा है, आपको जो सारे जितने प्रकार के सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर आते हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। और बेसिक रूल्स यदि आपको इसमें से समझ में नहीं आए, तो पहले जो अरमान क्लासेस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय अरमान क्लासेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय अरमान क्लासेस, वो वीडियो अवश्य देखें। पहले उसको देखोगे तो ये जो जितनी भी एक्सरसाइज है वो बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। थैंक यू।